हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। चेला आ बाबा, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया। तुम आ गई? जी बाबा। हाँ बाबा, मैं आ गई। कहाँ चली गई थी बेटी? कुटिया की साफ सफाई हो गई? जी बाबा। चलो ठीक है बेटा, ये बताओ वो छोटी गुड़िया वो कहाँ है? बाबा, क्या वो जंगल में अकेली लकड़ियाँ काटने तो नहीं चली गई? शायद बाबा वो लकड़ियाँ काटने के लिए गई होगी। नहीं बेटा, तुम्हें अकेले इस जंगल में उसको जाने नहीं देना चाहिए था। तुम्हें मालूम है ना, मैंने तुमको बताया था कि बेटा इस जंगल में रहना तो थोड़ा होशियारी से रहना, इसलिए इस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं। ठीक है बाबा। ठीक है, कोई बात नहीं, पर उसे आ जाने दो, दोबारा उसे जाने मत देना अकेली। ठीक है? ठीक है बाबा, मैं उसे समझा दूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आओ चलो कुटिया की तरफ चलते हैं। चलो चलो, चलो। कैसी बला लेकर आ गए बाप रे बाप। बच्चा। बाबा। बाबा। बेटी। हाँ बाबा। तुम जंगल की तरफ अकेली गई लकड़ियां काटने के लिए? नहीं बाबा जी। तो मैं तो गई थी गांव की तरफ। गांव की तरफ, बस्ती की तरफ? हाँ बाबा जी। राम राम राम, मैंने तुम्हें रोका था बेटा कि ये जंगल बहुत ही खूंखार है। बाबा जी, तुम्हें अकेली नहीं जाना चाहिए था। बाबा जी, लेकिन ये तुम्हारे साथ में ये कौन है? हाँ बाबा जी, मैं बताऊंगी। मैं जब गांव से वापस आ रही थी तो उसी रास्ते में ये लोग भी मुझे मिल गए बाबा जी। और अगर आप जानकारी करना चाहते हो तो बाबा जी इनसे खुद जानकारी ले लीजिए बाबा। बच्चा जरा सामने आओ। बाबा जी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटा। बाबा जी। ये खुश रहो बाबा जी। बाबा, इसके ऊपर इसके ऊपर जिंद सवार है। बाबा जी खुश रहो बाबा जी। ओ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। इसको ऊपर लवांग बहा देते हैं, शांत हो जाए बाबा जी। चलो मेरी बात को सुनिए बाबा जी। बहुत पचास वाला शांत हो। कल्पना पुर गाँव की रहने वाली है, इनका नाम ममता है। और ये क्या कहा? ये कल्पना गांव की रहने वाली? कल्पनापुर गांव की रहने वाली, इनका नाम ममता है। अच्छा बेटा। और ये मुखिया की बहू है। तुम कौन हो बेटा? बाबा जी मेरा नाम रोहित है। तुम्हारा नाम रोहित है? हाँ बाबा जी। और मैं मेरा नाम रोहित है। मेरा नाम इस लड़की कविता से मेरा नाम लड़की है बाबा जी। मेरा नाम लड़की है बाबा। क्या बाबा? इस लड़की कविता से मैं प्रेम करता हूँ बाबा जी। ये मेरी जिंदगी इसी की दी हुई है। गुड़िया, लंबी कहानी है। जरा इधर आ, ये बता। हाँ बाबा जी। ये जो बोल रहा है बच्चा, क्या ये सही बोल रहा है? हाँ बाबा जी। तू इससे प्यार करती है? हम इनसे प्यार करती हूँ बाबा जी, और साथ में जीने और मरने का वादा भी किया है बाबा। सौभाग्य हो, सौभाग्य हो।
सभागो सभागो। मैं समझ रहा हूँ। इसके ऊपर जिंद है। चला पहले इसका इलाज करो, मेरा कमंडल दो मेरे हाथ में, तो मैं इसका इलाज करता हूँ। पहले इसका जिंद शांत करो। हाँ बाबा जी। बेटा ऐसी कोई रास्ते निकालिए बाबा जी कि जिसमें इनका दिमाग ठीक हो जाए। अरे तुम चिंता क्यों करती हो बेटी, हमका हिंद बाद ले चला। हिंद नहीं, तुमको हम इंग्लैंड भेज देंगे, तुम क्यों चिंता। हिंद बाद का कर जाओ, ये लो बेटा। हाँ? पहले इसको ये प्रसाद खिलाओ, ना खाए जबरदस्ती इसके मुंह में डालो। ठीक है बाबा जी, दीजिए ताकि इसका जिंद शांत हो। इसके ऊपर बहुत बड़ा जिंद सवार है। लो भगवान का नाम लेकर पहले इसे ये प्रसाद खिलाओ, फिर मैं देखता हूँ ये क्या करती है। ठीक है बाबा जी, खिलाओ इसे प्रसाद पहले तो मैं बात करूँ। साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, ओ तेरी दुल्हन सजाऊंगी। अरे वादा किया मैंने वो वादे निभाऊंगे, तेरी दुल्हन सजा। खिलाइए खिलाओ घबराओ नहीं। ये बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारा नाम क्या है बाबा? हाँ रोहित। हाँ भाभी रोहित। रोहित तुम्हारे ही कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। रोहित मेरे पति ने मुझे घर से भगा दिया। आखिर तुमने ऐसा पत्र क्यों लिखा, भाभी माँ मैं सब कुछ बताऊंगा। भाभी माँ रोहित का फोटो आपको मिला और रोहित का लिखा गया पत्र मिला, मैं जानता हूँ भली भात ये सब उस जमींदार जालिम सिंह की चाल है। उसने मुझे अपनी हवेली में कैद कर रखा था, मेरा पांव और मेरा हाथ बंधा हुआ था, बेबस था। ये तुम क्या कह रहे हो? और मार मार कर मुझसे जबरदस्ती उसने लिखवाया कि मुखिया को और अपने बाप जग्गूराम को लिख की मैंने मारा है और गेहूं की फसल में आग उसने कहा कि लिखो कि तुमने ही लगाया है। और उसने यह भी लिखवाया कि लिख कि ममता से एक साल से तेरा प्रेम चल रहा है। मजबूर इंसान क्या करता भाभी माँ, हो सके तो क्षमा के योग तो नहीं लेकिन मुझे क्षमा कर दो। नहीं भैया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भैया, मैं सब समझ रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये जो कह रहे हैं मैं इनका वीडियो बनाकर अपने पास रखी हूँ। तुम क्या चाह रहे हो मेरे साथ
मैं तुम्हें वो ठीक है चलो तब तो तुम्हें विश्वास हो ही जाएगा। हाँ हाँ चलिए ठीक है चलिए चलिए तुम्हारा परिवार मिल गया खुशहाल रहे बाबा। मैं इनकी बातों को समझ नहीं सका, ये आए और चले गए। भाई ठीक हो गए चला गए। ठीक है कोई बात नहीं है बेटा। हाँ बाबा अच्छी बात है चलिए बाबा चलते हैं हम लोग। इसके ऊपर बहुत ही बड़ा जिंद था, बहुत बड़ा जिंद था, बहुत बड़ा। अगर मैं इसे प्रसाद न देता तो वो जिंद इसे छोड़कर जीवन भर कहीं नहीं जाता, वो इसका प्राण लेने के लिए आया था। चलो कोई बात नहीं आओ हम कुटिया की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए बाबा। हथवाली है शरमी बन के धरे डगरिया गुदरिया तन पे गाए भर करी। कारिंदा जी मालिक देखो अभी तक मदन जब से रीवा गया तब से वापस नहीं है। हाँ, का यार मालिक हमको लागत वही जाए से मर मुरा गए वो। राम बली एवरे की जिंदगी ककानो ठिकाना तो जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक वो मर नहीं सकता है। आज हम थोड़ा इंतजार करेंगे। हाँ हाँ अगर आ जाता तो ठीक है। हाँ? अगर नहीं आया तो हम उसके पता के लिए चलेंगे। क्यों नहीं मालिक क्यों नहीं? मेरे दोस्त जमींदार जालिम सिंह चाहे जहाँ मैं रहता हूँ बस हर समय तुम्हारी याद आती है। हमारी याद तो आती ही है आज, लेकिन हमें लग रहा है कि तुम्हारी बीबी की याद तुम्हें सताती है इसलिए तुम शराब को छोड़ नहीं पा रहे। अरे उसी साले ने तो मुझे बर्बाद कर दिया उसी ने तो पीना सिखा दिया, अब तो ये शराब ही मेरी जिंदगी में। उसे सेहत सेहत भी काफी बन गई है इनकी, जब से पीना सीख लिया तब से सेहत अच्छी हो गई। हेलो क्या बेटा काफी दिन हो गया तेरी भाभी ममता से मुलाकात किए हुए। कब एक एक चम्मा दे दे तू मुझे। ए भाई कभी ढाल सुबह हमका सारी दौलत तेरे नाम कर दूंगा बे। तो चला 10-5-20 साल लिख दे चला तू हमरे रहबै कर हम तो कब चाय ले भाई बोला तू भी पिएगा। अरे हम ना पिए हमार पीजीआई से जहाँ चला दिया। एक बार चुम्मा दे देना चुम्मा तो 10-20 साल जमीन तेरे नाम कर दूंगा पक्की बात। चलो फिर अंदर चलो तुमको हम देते हैं अभी तुमको हम देंगे। मदन
क्या है मेरे दोस्त? मैंने बहुत ही ढूंढा। मुझे ढूंढा? रोहित को। रोहित को? लेकिन रोहित हमारे नजर नहीं आया। अच्छा? और जब तक रोहित को मैं सजा दिलवा नहीं दूंगा। अच्छा? या सजा दे नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा। मेरे लिए कोई सेवा बताओ। सेवा तुम्हारे लिए है। ये कागज देख रहे हो? ये कागज? ये कागज देख रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। समझ में आए? इस कागज आ जाएगा समझ में, क्या टेंशन ले रहे हो? अपनी दस्तखत कर दो। तो मैं दस्तखत कर दूंगा तो रोहित लाला पकड़ा जाएगा ना? बिल्कुल राइट। मैं भी यही चाहता हूँ कि लाला पकड़ा जाए। तो साइन कर दो। ये लो। पल बाबे लाओ इधर बॉटल। तुम्हारी जरूरत, अभी हम तुम्हारी सब कुछ सुनेंगे, तुम्हारा पैर भी छू लेंगे। क्या नाम लिखे अपना? ना और क्या, यहाँ उकलाज ही उकलाज हो तो अंदर जा। अंदर जाऊंगा? तेरे घर का कोई नाराज नहीं होगा रे? अंदर जाने पर तेरे हमारे घर का क्यों नाराज हो? हम ही नाराज हो तो तुम चापकी से बाधा निकल लिया। मालिक, मालिक देख ले निका। कारिंदा, मालिक, मालिक। इसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो गई। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें इसमें लिखा है, इस कागज पर क्या लिखा है इसे नहीं मालूम। नशे क्या मालूम है, ससुराल नशे में है। ये नशे में है, दस्तखत तो कर दिया। दस्तखत हो गई सर, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकता। बाकी का काम हमारा। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? औरतों के बच्चा पैदा होता है साले, और तेरे कैसे हो गया बे? जब से कोर्ट आदेश कर दी समलैंगिक वाला बिया ना, तब से हो गया। मदन, मदन कान खोल के सुन लो कि अब तुम्हें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ना तुम्हें शराब मिलेगी, ना खाना मिलेगा, ना दाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा। मेरी बात सुन। और आज से घर में मेरे तुम आना नहीं। आज तुम दिखाना नहीं। मदन, तुम नहीं जानते हो कि मैं वो अजगर हूं कि काटता नहीं हूं। मैं काटता नहीं हूं, सीधे निगल जाता हूं। मारो और मारो मालिक इसको। और दोस्त मन ऐसी बात सुनावो नहीं। दोस्त मन ऐसी बात
तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम यहां से इस हवेली को छोड़कर इतना दूर चला जा कि हमारी नजर के सामने दोबारा दिखाई मत। करण क्या है? दोस्त नहीं, तू एक धोखे भाई दोस्त। एक मदनी 10 लाख रुपए तुमको है मैंने दिया। 10 लाख रुपए आए मदनी 10 लाख रुपए और मैंने तुझको दिया सारी खेती और बारी, नाम लिख दिया सारी। हरामखोर, सारी जायदाद का मालिक जमींदार मदन। अरे दोस्त नादान तू चाल, दोस्त नादान तू चाल, भारी की जाल। घेरे सूफिया रोवे नार सकीना, रण मघेरे सूफिया रोवे नार सकीना, मदीना अब न देखे का मिली। रहा था कि मैं हवेली में मुफ्त की रोटियां तोड़ूंगा, मेरी निगाह कमला पर थी, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, हरामजादी कहीं मुझे दिखाई नहीं, अजाब नहीं, आज तक नहीं दिखाई, इसीलिए मैं इसे हवेली में आने जाने के लिए रोक नहीं था। क्यों नहीं? और जब समझ लिया कि वो माल मुझे नहीं मिलेगा, हाँ मालिक, इसलिए मैंने इसकी जायदाद को अपने नाम लिखवा लिया। अब मुझे कोई डर नहीं, कोई डर नहीं मालिक, मुखिया के परिवार में अब कोई नहीं बचा है, सब सर्वनाश हो गए हैं।
अरे जिस डाली पर मैंने नजर डाली है कारिंदा। जी मालिक। जिस डाली पर मैंने नजर डाली है वो डाली डाली नहीं है। आओ मेरे साथ। चलिए मालिक चलिए।